बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की। जो एग्जाम में पूछी जाती है इथेनॉल से रिलेटेड, तो पहली टर्म की मैं यहां बात करने जा रही हूं रिएक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है ये क्या होता है, ये मिक्सचर है। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है, मिक्सचर है किसका, इथेनॉल एंड वाटर का। इथेनॉल एंड वाटर, अगर आपने रेक्टिफाइड स्पिरिट की बॉटल देखी हो तो उस पर लिखा होता है 95% इथेनॉल। तो यहाँ इथेनॉल 95% है और 5% जो है वो वाटर है। रेक्टिफाइड स्पिरिट का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, इसको कुकिंग में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको टिंचर ऑफ आयोडीन वगैरह बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी एंटीसेप्टिक के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको यूजेज ऑफ इथेनॉल भी, ताकि हमें दोबारा से ये टॉपिक नहीं करना पड़े, यूजेज ऑफ इथेनॉल भी डिस्कस कर देती हूँ। तो हमने क्या कहा कि ये एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, कुकिंग में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अब सेकेंड टर्म की अगर मैं बात करती हूँ, सेकेंड डेफिनेशन की, अगर सेकेंड इम्पोर्टेंट टर्म की मैं बात करूं, तो हमारे पास है एंटी फ्रीज एजेंट। ये जो है अल्कोहल एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एंटी फ्रीज एजेंट क्या होता है, जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर को, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एनी अदर सब्सटेंस को क्या कर देता है, लो कर देता है। तो ये एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है कि जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां जो कार्बोरेटर हैं गाड़ियों के, जो कार्बोरेटर ऑफ इंजन्स में आपको पता है कि पानी होता है, तो पानी जो है कोल्ड कंट्रीज में क्या होगा, कोल्ड कंट्रीज में पानी जो है वो जम जाएगा। तो उस पानी को जमने से रोकता है, क्योंकि इसका मैंने आपको पहले बताया था इथेनॉल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेल्सियस है, बहुत लो जाके है। तो जब हम इसको उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या करता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत बिलो ले जाता है, तो वहां पर ये फ्रीज नहीं हो पाता और गाड़ियां जो है स्मूथली रन कर पाती है। इसी तरीके से इससे अल्कोहल का इस्तेमाल एंटी फ्रीज एजेंट के कारण ही इसका इस्तेमाल किया जाता है अल्कोहलिक थर्मामीटर के। सुना हो आपने कभी अल्कोहलिक थर्मामीटर के बारे में, बहुत अच्छा टॉपिक है ये अल्कोहलिक थर्मामीटर जो है, क्योंकि अल्कोहल एक कलरलेस लिक्विड है, इसका फ्रीजिंग प्वाइंट बहुत लो होता है, लो फ्रीजिंग प्वाइंट होने के कारण इसको थर्मामीटर में भी यूज किया जाता है ताकि ये जमे नहीं, एक तो ये, और दूसरा आपको पता है जो मरकरी है, मरकरी टॉक्सिक इन नेचर होता है, तो मरकरी टॉक्सिक नेचर का है, तो इसके कारण इसको इससे रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका अलग से भी हम टॉपिक कभी बनाने की कोशिश करेंगे अल्कोहलिक थर्मामीटर की। तो थर्मामीटर में अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अल्कोहल कलरलेस लिक्विड है, तो इसमें रेड कलर की डाई मिला दी जाती है, रेड कलर का आपको जब जब टेम्परेचर राइज होता है तो क्या करता है, वो आपको ऊपर उठता हुआ ये रेड कलर का जो है पर्टिकुलर वो दिखाई देगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास सेकेंड यूज क्या आ गया कि एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एंटी फ्रीज एजेंट क्या होते हैं, विच लोअर्स द फ्रीजिंग प्वाइंट, फ्रीजिंग प्वाइंट को लो कर देना और लो कर देना। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस है वाटर का फ्रीजिंग प्वाइंट, इसका इतना है तो देखो कहां पर ले जाएगा, उसको जमने नहीं देगा, गाड़ियां स्मूथली रन करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर टर्म की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल हमारे पास एक वर्ड आता है पावर अल्कोहल। तो पावर अल्कोहल इट इज ऑल्सो मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये मिक्सचर है पेट्रोल और इथेनॉल का, पेट्रोल और अल्कोहल का 80:20 रेशो में पेट्रोल और इथेनॉल को लिया जाता है। हम सभी को पता है पेट्रोल एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, जैसे जैसे हम इसको कंज्यूम करते जा रहे हैं आने वाले जनरेशन के लिए तो बचेगा भी नहीं। तो क्या है, कुछ कंट्रीज में इसको इंजन्स को चलाने के लिए, टू रन द इंजन्स, इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल की भी जब कंबशन होती है तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है,
तो कम्बशन ऑफ इथेनॉल में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, पेट्रोल की कम्बशन से भी वही बन रहा था। तो इस रेशियो में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये कैसे यूज किया जा सकता है, एज अ फ्यूल, फ्यूल के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ पावर एल्कोहल। पावर एल्कोहल आपसे पूछा जाता है तो कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास आता है एब्सोल्यूट एल्कोहल। एब्सोल्यूट एल्कोहल तो एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है, जो 100% प्योर इथेनॉल है इसको हम क्या कहते हैं, इसको एब्सोल्यूट एल्कोहल कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए और बॉटल्स पे मेंशन होता है कि एब्सोल्यूट एल्कोहल है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि क्या है, मिथाइलेटेड स्पिरिट है, ठीक है। मिथाइलेटेड स्पिरिट या डीनेचर्ड एल्कोहल वर्ड आपने सुना हो, एल्कोहल के नेचर को चेंज कर देना, डीनेचर कर देना। तो ये क्या होता है, देखिए पहले समझ लें इसे हम, कि इंडस्ट्रीज में इथेनॉल का इस्तेमाल एज अ सॉल्वेंट किया जाता है ऑन द लार्ज स्केल, बहुत ज्यादा अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। अब क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, कि ये जो है, जो इथेनॉल है मेन इंग्रेडिएंट है किसका, इंग्रेडिएंट ऑफ बियर, विस्की, रम और जितने भी अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, परसेंटेज अलग अलग पाई जाती है इसमें उसके हिसाब से, क्योंकि ये क्या करता है, ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि नशा कर देता है इंसान में, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल में कर लेता है। अभी हम बैड इफेक्ट्स में भी इसकी बात करेंगे, तो ये बनाने काम आता है। अब जब इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है तो वहां पर इसका मिसयूज भी हो सकता है। कैसे मिसयूज हो सकता है, जो वहां काम करने वाले वर्कर्स हैं वो इसका इस्तेमाल जो है ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कर सकते हैं। अब अगर कोई वहां पर, ये क्या है, शराब, यानी अगर इसको पीकर वहां कोई काम करेगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां जो सोशल एनवायरमेंट होगा वो भी अफेक्टेड होगा, और जिस काम के लिए एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल होने के लिए आया था, मेडिसिन पर्पज के लिए आया था, वहां पर इसका इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। तो टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इथेनॉल इसमें कुछ चीजें मिक्स कर दी जाती हैं। द केमिकल्स लाइक मिथेनॉल, मैंने आपको बताया कि मिथेनॉल टॉक्सिक नेचर का होता है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है, डेथ भी हो सकती है। मिथेनॉल, पिरिडिन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, पिरिडिन का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। और मिथेनॉल, पिरिडिन, कॉपर सल्फेट मिला दिया जाता है उसमें, कुछ डाइज मिला दी जाती हैं, जिससे क्या होता है वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता इंसान, उसका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता होगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए इसमें ये चीजें मिला दी जाती हैं, यानी अल्कोहल के नेचर को क्या कर दिया गया, डी नेचर कर दिया गया, और इसे ही हम कहते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट और डी नेचर्ड एल्कोहल। क्यों किया गया, अभी मैं आपको बता चुकी हूं, क्योंकि हम इसके मिसयूज को रोकना चाहते थे। तो आपको ये कंपोजिशन याद होनी चाहिए कि मिथाइलेटेड स्पिरिट में क्या होता है, इथेनॉल में मिथेनॉल मिला दिया, पिरिडिन मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दिया, या कुछ तरह की डाइज जो है वो मिला दी जाती है। अभी हमने पावर एल्कोहल का कंसेप्ट किया था, जो पावर एल्कोहल है, पावर एल्कोहल में हमने क्या कहा कि पेट्रोल और एल्कोहल यानी इथेनॉल है मिक्स किया गया। एक्चुअल में पेट्रोल और इथेनॉल तो आपस में मिक्स होते ही नहीं है, तो इसको मिक्स करने के लिए हम क्या करते हैं, हम को सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे को सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है, ईथर है, इनका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये क्या हो, ये पेट्रोल में मिक्स हो जाए। तभी मिक्स होगा जब भी को सॉल्वेंट लाइक बेंजीन और ईथर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये पॉइंट वहां पर रह गया था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास मिथाइलेटेड स्पिरिट आ गया, डीनेचर्ड एल्कोहल आ गया, एब्सोल्यूट एल्कोहल आ गया। अब इसका इस्तेमाल जो अगर यूजेस में और बात करें, देखिए एंटीसेप्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया गया, एंटी फ्रीज एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, पावर एल्कोहल की फॉर्म में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया,
इंग्रेडिएंट है ये जो अल्कोहलिक बीवरेजेस हैं, साथ के साथ ये और कहाँ यूज होता है, ये मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, इससे कफ सिरप्स बनते हैं। हमें पता है कफ सिरप्स में कुछ अमाउंट इथेनॉल की भी पाई जाती है, इससे और क्या बनते हैं, इसका इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है, पेंट्स हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है जो हम सैनिटाइजर वगैरह आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, वो हमें जर्म से बचाता है, तो उसमें भी सैनिटाइजर वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे यूजेज हो गए हमारे पास, ठीक है, तो बहुत जगह इसको और कहाँ यूज किया जाता है, इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं एज अ सॉल्वेंट, बहुत ही बढ़िया सॉल्वेंट है ये, तो सॉल्वेंट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये। तो यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको करवा दी, कौन कौन सी, रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात हमने की, एंटी फ्रीज एजेंट की बात हमने की, पावर एल्कोहल आ गया हमारे पास, एब्सोल्यूट एल्कोहल क्या होता है हमने ये भी बता दिया, साथ के साथ ये जो मिथाइलेटेड स्पिरिट है हमारे पास क्या होती है, मिथाइलेटेड स्पिरिट क्यों ऐसा किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं, ये यूजेस भी आपको क्लियर हो गए यहाँ पर। अब अगर हम बात करें इसके बैड इफेक्ट्स की, तो बैड इफेक्ट्स क्या हैं, बैड इफेक्ट अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं हम। बैड इफेक्ट्स क्या हैं इसके, ताकि टॉपिक कंप्लीट हो, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है लेकिन आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बैड इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो बैड इफेक्ट में क्या है, पहली बात कि टॉक्सिक हो सकता है, कैसे टॉक्सिक हो सकता है, पहले मैं टॉक्सिसिटी को एक्सप्लेन कर दूं, इट मे बी टॉक्सिक, इट मे बी लीथल, लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, किस तरीके से, देखिए जब इथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है तो उसके साथ साथ कुछ अमाउंट मीथेनॉल की आ जाती है, जब हम इसको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करते हैं तो वहां कुछ अमाउंट जो है वो मीथेनॉल की आ जाती है। अब क्या हुआ, ये मैं इंडस्ट्रियल लेवल की बात कर रही हूँ, अब इसको वो क्या करते हैं, वो इसको डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन करके इथेनॉल और मीथेनॉल को क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है मीथेनॉल इज टॉक्सिक इन नेचर। ये तो बात हुई कैसी, इंडस्ट्रियल लेवल पे। अब हमने कई बार हम सुनते हैं कि जहरीली शराब पीने से इतने लोग मरे, तो वो जहरीली शराब क्या है एक्चुअल में, जब इसको मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल लेवल पे ना बना के वैसे ही बना रहे, कोई गांव में बना रहे, इस तरीके से बनाया जाता है इसको, तो वहां पर क्या हुआ, वहां डिस्टिलेशन नहीं की जाती, अब डिस्टिलेशन प्रोसेस वहां नहीं करते वो लोग, तो क्या होगा, अब इसमें हमारे पास मीथेनॉल की अमाउंट रहेगी और ये क्या हो सकता है, टॉक्सिक नेचर का हो सकता है। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि ठीक है मेरे पास इथेनॉल तो प्योर है, मीथेनॉल नहीं है इसमें, तो यहां पर दूसरी बात क्या आती है कि जो इथेनॉल है ये कैसा है, ये एडिक्शन, एडिक्टिव इन नेचर है, एडिक्शन कॉज करता है, कहते हैं 30 ml जो इथेनॉल है दैट इज नॉट डेंजरस, लेकिन क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करता है तो 30 ml कब 300 ml में कन्वर्ट हो जाए, कब वो 3 liters में कन्वर्ट हो जाए वो पता नहीं चलता, क्योंकि एडिक्टिव इन नेचर है। और ये जो इथेनॉल है इट इज नॉट मच टॉक्सिक, लेकिन टॉक्सिक कैसे है, ये हमारे किडनी पे फर्क डालता है, ठीक है, ये हमारे लिवर को अफेक्ट करता है, इसलिए धीरे 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 किडनी और लिवर में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है। साथ के साथ क्या है, मीथेनॉल की टॉक्सिसिटी ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या करता है, ये इंसान को अंधा भी कर देता है और डेथ भी हो सकती है, यानी ब्लाइंडनेस भी आती है, ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है और इट मे कॉज डेथ, क्यों, क्योंकि जब ये बॉडी के अंदर एंटर करता है तो मीथेनॉल एल्डिहाइड बना देता है जो जिसके कारण ये होता है, क्यों होता है ऐसा वो भी मैं बता देती हूँ। जो मीथेनॉल है हमारे पास, अल की बात कर रही हूँ, एल्डिहाइड, ये क्या करता है श्रिंकेज ऑफ लिवर, लिवर के जो सेल्स हैं उसकी कॉगुलेशन स्टार्ट कर देता है, तो क्या होगा, लिवर जो है वो श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है, श्रिंकेज ऑफ लिवर। और हम सभी को पता है कि लिवर इंसान के पास एक ही है, तो इंसान की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये लिवर के सेल्स को कॉगुलेट करना स्टार्ट कर देता है, ऐसे सिकोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है, तो किडनी और लिवर पे अफेक्ट करता है ये, क्या करता है और क्या करता है, सीएनएस को कंट्रोल करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा इससे क्या होगा, जो हमारा डाइजेशन है वो अफेक्टेड होगा, क्यों, क्योंकि किडनी लिवर पे अफेक्ट कर रहा है,
दूसरी बात, सीएनएस में जब ये तुम्हारी जो थिंकिंग की कैपेबिलिटी है, सोचने की, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, मूवमेंट आप देखो तो हिलडुल के इधर उधर चक्कर काटता हुआ जा रहा है। क्यों? ये एडिक्शन इसलिए भी कॉज कर देता है क्योंकि ये जब इसका इसकी कंजप्शन की जाती है तो इंसान को थोड़ा सा क्या कर देता है, ये रिलैक्स कर देता है। ठीक है, तो ये सीएनएस थिंकिंग, मूवमेंट, डाइजेशन, इन सब पे जो है इसका इफेक्ट पड़ता है। और सबसे बड़ी बात अगर हम कहें तो और क्या कर सकता है ये, मैं फिफ्थ पॉइंट यहां लिख रही हूं आपके लिए कि क्या कर सकता है ये, इट कैन रियूंड एनीबडी, कंगाल बना सकता है। ठीक है, क्योंकि पैसा भी तो खर्च होगा ना उसपे, और क्योंकि एडिक्शन नेचर का है, एडिक्टिव इन नेचर है, तो उसको हम बार बार कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो इट कैन रियूंड एनीबडी, सोशल इन्वायरमेंट जो है, जो इंसान जहां पर रह रहा है, सोशल इन्वायरमेंट पे अफेक्ट करता है, पर भी ये अफेक्ट करता है। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको इथेनॉल क्या है, क्या फॉर्मूला है, इसे लेके कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उसके यूजेस क्या है, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी मैंने डिस्कस किए हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो न्यू व्यूअर्स है सब्सक्राइब करना ना भूलें।